हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको आज बताने वाला हूँ ऑटोडेस्क पावर मिल 2020 के अंदर होल फीचर सेट। होल फीचर सेट में आपको पता है कि होल फीचर सेट में हम लोग डीलिंग करते हैं, लेकिन जैसे कि आपके पास डील वो मॉडल के अंदर डीलिंग किया हुआ है तो आप डील मार सकते हैं, लेकिन आपके पास मॉडल हाई नहीं है लेकिन आपको डीलिंग करना है कोऑर्डिनेट पे जाके, तब तो आप कैसे करते हैं। लेकिन आपके पास ये जैसे आपके देख सकते हैं कि ये होल मारा हुआ है, लेकिन आपको इस एरिया में होल ही नहीं है, इस एरिया में होल नहीं है, तो आप इस होल ये एरिया में होल कैसे मारेंगे। और फीचर सेट के अंदर जो भी हमारे ऑप्शन हैं, ये हम लोग ऑप्शन काम कैसे करता है, तो मैं आपको इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ कि हमारे पास मॉडल्स नहीं है तो भी हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं डीलिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेट पे जाके कैसे मार सकते हैं, मशीन पे नहीं, प्रोग्राम भी कैसे बनाते हैं। मशीन पे तो आप कोऑर्डिनेट पे जाके मार सकते हैं क्योंकि आप उसमें कोऑर्डिनेट आपको दिखता है, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग करना है। एक नहीं, जैसे आपको 10 प्रोग्राम का बनाना है, मॉडल आपके पास नहीं है, आपके पास मॉडल नहीं है लेकिन आपको क्या करना है, 10 जगह पे डील मारने का है, तो आप कैसे मारेंगे, फीचर सेट में कैसे जाके आप प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपको फीचर सेट बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनाएंगे आप। तो अब मैं आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बनाना पड़ेगा आपको। पहले देख सकते हैं कि मैं आपको पहले एक बता देता हूँ कि जैसे आपको होल फीचर्स क्या है, होल फीचर्स के अंदर जाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, होल को सेलेक्ट कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये होल का सेंटर आ जाता है जिसमें हमको डीलिंग का प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, डीलिंग का प्रोग्राम एक बना देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, डीलिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए इसमें मैं क्या करता हूँ, एक डील का प्रोग्राम बना दिया, तो ये हमारा डील का प्रोग्राम बन गया, ये देख सकते हैं, ऐसे हमारा डील का प्रोग्राम हो गया। लेकिन मेरे को क्या करने का है, मेरे को इस जगह पे डीलिंग करना है, लेकिन इधर होल भी नहीं है, तो मैं इस कोऑर्डिनेट पे कैसे आऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी होल फीचर्स को एडिट फिर से करने का है। राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, जब एडिट में जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन बंद रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। ये ऑप्शन काम कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। पहले इसमें देखो, देखो आपको लिखा रहा है जो हमारा ऊपर का डायमीटर है, टॉप का, ये जो हमारा टॉप का डायमीटर है ये वाला, ये कितने का है, 10 का। इसके नीचे लोवेस्ट वाला जो डायमीटर है, बैक सेटिंग में ये जो डायमीटर दिखा रहा है ये वाला, ये कितने का है, ये भी 10 का है, तो इसमें दिखा रहा है। उसके बाद इसमें फिलेट है, नहीं फिलेट नहीं है, तो 0 दिखा रहा है। इसका टोटल डिप्थ कितना है, 65 mm, ब्लॉक में भी देख सकते हैं 65 mm। उसके बाद ड्राफ्ट नहीं है, 0 है। ये भी आ गया है हमारा होल का पोजीशन, ये जो होल का पोजीशन है, मॉडल सेंटर, ये जो हमारा वर्क प्लेन है इसमें दिया हुआ है, ये वर्क प्लेन जो है इसका जो सेंटर से ये होल कितने दूर पर है, इधर दिखा रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए किधर, इधर होल मारने के लिए, तो इसको इधर से शिफ्ट हम लोग इधर से करके इधर ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देते हैं। जैसे करते हैं कैसे, मेरे को एक्स को टोटल 0 कर देता हूँ और वाई को मैं क्या करता हूँ, 115 कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हैं कि होल हमारा इधर आ गया, होल हमारा क्या हो रहा है, इधर दिखा रहा है, लेकिन ये अभी टॉप से होल है तो इसको मेरे को नीचे करना पड़ेगा, तो मेरे को ये जेड को माइनस में करना पड़ेगा, तो इधर माइनस कितना है वो मेरे को देखना पड़ेगा, तो माइनस कितना है, 30 mm, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये ब्लॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इधर -30 mm डाल देंगे, जब तो ये इस फेस से मैच हो जाएगा, इधर से हमारा ब्लॉक आ जाएगा, ये इधर से दिखने लगा अभी, लेकिन ये नीचे अभी बड़ा है क्योंकि हमारा ये 65 है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ 25 mm, तो 25 mm छोटा हो गया। अभी हमको इसके ऊपर डीलिंग करना रहेगा, तो इसके ऊपर भी हम लोग डीलिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, फिर मैं इसके ऊपर भी एक डीलिंग का प्रोग्राम बना देता हूँ। फिर से इसके अंदर जाएंगे और फीचर को सेलेक्ट करेंगे, और ये वाला फीचर्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी डीलिंग का प्रोग्राम बना देंगे, तो हमारा इसके अंदर भी डीलिंग का प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए रेड का ऑप्शन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये मॉडल के अंदर प्रोग्राम घुस रहा है, जो हमारा टूल है वो मॉडल के अंदर घुस रहा है, इसके लिए ये रेड दिखा रहा है। लेकिन आपको जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो कोऑर्डिनेट तो आपको मिलेगा और प्रोग्राम आपका राइट होएगा और चलेगा, तो इससे हम लोग कोऑर्डिनेट चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको एक ध्यान रखना है, आपके पास होल का फीचर्स मिला, इसके लिए आप इसके लिए क्रिएट किए और होल को इधर ला सके, लेकिन आपके पास मॉडल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, होल को क्रिएट करोगे आ जाएगा, लेकिन आप जब अप्लाई करोगे तो मॉडल को क्या लिख रहा है, नो सेलेक्टेड कर्व। आप सेलेक्ट करने के लिए कुछ आपके पास है ही नहीं है, मॉडल ही नहीं है आपके पास, आपका जो मॉडल है वो हाइड हो गया, मतलब है ही नहीं है, तो आपको सेलेक्ट किसको करोगे और प्रोग्राम कैसे बनाओगे, आप होल फीचर सेट कैसे क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आपके पास मॉडल नहीं है, आपको होल मारना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इधर सिलेंडर में जाना पड़ेगा और एक डायमीटर ले लेना है जो आपको डीलिंग करना है। जैसे मेरे को 10 का डीलिंग करना है, 10 का डायमीटर ले लिया, अभी हमारा ये एक्स वाई का सेंटर पर कोऑर्डिनेट है, मेरे को जैसे डील करना है 150 बाई 150 पे, तो मैं क्या करता हूँ, 150 डाल देता हूँ इधर और 150 बाई इधर 150 डाल देता हूँ, 150, तो मेरा होल कहाँ चला गया,
वो देख सकते हैं कि होल हमारा इधर आ गया, होल हमारा इधर आ गया डीलिंग करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चीज जब आपका इधर आ गया तो आपको जाना पड़ेगा बाउंड्री में और ब्लॉक का बाउंड्री अप्लाई करेंगे तो हमारा एक सर्कल जैसा बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा। जब ये बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा क्रिएट किए हैं एक होल फीचर्स क्रिएट कर लेंगे, इसको होल फीचर को क्रिएट करेंगे, इधर आएंगे इसमें, इसमें आने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कर में जाना पड़ेगा। ये जब कर में हम लोग जाएंगे तो कर को सेलेक्ट करेंगे, कर को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद इधर हमारे पास बहुत से ऑप्शन आते हैं कि हमको टॉप से डील करना है, बॉटम से डील करना है, ऐसे हमारे पास बहुत से ऑप्शन आते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको डीलिंग कितना करने का, जैसे आप कुछ भी डीलिंग कर सकते हैं -30 mm करने के बाद आप लोग को अप्लाई कर देना है। जब अप्लाई करेंगे तो इधर आपके डील का ऑप्शन एक बन जाएगा, ये डील का ऑप्शन बन गया। अभी ये 30 का टॉप से क्या हो गया, 30 mm डीपिंग बन गया। अभी आपको ज्यादा करना है या माइनस लेके जाना है, अगर माइनस लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉटम डालना पड़ेगा। तो 30 mm बॉटम में माइनस चला गया और आपको क्या करना पड़ेगा, 15 mm का ए हो गया। तो आपको इधर जब अप्लाई करोगे आप तो देख सकते हो कि मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों को डिलीट कर लेता हूँ, फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए मेरा क्या हो गया, इसमें 15 mm डिपिंग चला गया, टॉप जो दिख रहा है ये टॉप मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉप से 15 mm माइनस, टॉप से 15 mm माइनस हो गया, लेकिन मेरा 30 mm का डीलिंग हो गया। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका डिपिंग दिखाएगा, इसमें आपका ये जो जितना आपको डील मारने का है ये पोजिशन ये दिखाएगा आपको, इधर ये 30 mm आपका हो गया। आपको इसको बढ़ाने का है, आपको क्या करना है, 40 mm करना है। तो इसको डिलीट करके फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से नया सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको 20 mm बढ़ा देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा 40 mm का आ गया, ये 40 mm का हो गया मेरा, और ये मेरा 20 mm ऊपर से टॉप से 20 mm हो गया। अभी मेरे को क्या करने का, इसके अंदर डीलिंग का प्रोग्राम बनाने का है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक डीलिंग का प्रोग्राम ले लेता हूँ और इसके अंदर डीलिंग का प्रोग्राम बना देता हूँ। ये डील का प्रोग्राम मैं बना दिया, अभी इसके अंदर भी हमारा एक डील का प्रोग्राम बन गया है, ये भी देख सकते हैं कि डील का प्रोग्राम बन गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको राइट भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ राइट करके। तो आपका कोऑर्डिनेट जो है वो भी आपको दिखने लगेगा। अभी मैं इसको राइट कर दिया, इसका व्यू में देख लेते हैं, ये देख सकते हैं इसका व्यू, इसमें जो है 81 का डीलिंग है, कोऑर्डिनेट आपको एक्स में 150 दिखा रहा है, वाई में 150 दिखा रहा है, आपका कोऑर्डिनेट भी हो गया और इसमें प्रोग्राम आपका चलने लगेगा ऐसा। तो आपको कभी आपके पास मॉडल्स हैं डीलिंग का तो भी आप डील कर सकते हैं, आपके पास मॉडल नहीं है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट पे जाके, और बाउंड्री क्रिएट करने के बाद उसको पैटर्न में जाके आपको ये ऐसा फीचर्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आपको डीलिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपके पास मॉडल्स रहेगा तो भी आप प्रोग्राम डीलिंग का बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको डीलिंग का फीचर्स बना के और बाउंड्री क्रिएट करने के बाद आपको डील बना सकते हैं प्रोग्राम। तो आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि हम लोग फीचर्स को यूज कैसे करते हैं, होल फीचर सेट को आपको यूज कैसे करते हैं डीलिंग के लिए, अगर होल है तो भी, अगर नहीं होल है तो भी हम लोग कैसे यूज करते हैं। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करेंगे, अगर आपको किसी चीज़ पे अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।